आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर ये आपको पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते में जा रही थी। अचानक दो मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढकों ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इससे निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेंढकों ने शायद ऊपर खड़े मेंढकों की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो छलांग लगाते रहे। बाहर खड़े मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते, प्लीज़ ट्राई करना छोड़ दो। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढक में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढकों की बात सुन ली और उछलना छोड़कर निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम बाहर नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है। लेकिन वो मेंढक उछलता रहा और अपनी पूरी कोशिश करता रहा ताकि वो बाहर आ सके, और आखिर में वो बाहर आ ही गया। तो सारे मेंढक ने जो बाहर खड़े थे उसने कहा, क्या तुमने हमारी बातें नहीं सुनी? दूसरे मेंढक ने इशारे करके बताया कि वह बात नहीं सुन सकता क्योंकि वह बहरा है, वह सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुनी। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो इस छोटी सी प्यारी कहानी से आप क्या सीखते हैं? आप यह सीखते हैं कि जब भी आप बोलते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे पे ज़रूर पड़ता है। तो जब भी बोलें पॉजिटिव बोलें, किसी के लिए भी नेगेटिव ना बोलें। सेकंड मोरल आपको ये मिलता है कि लोग चाहें जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और पॉजिटिव रहें।